मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पवित्र पुनीत पावन ईश्वरी मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। आज जब हम लोग गायत्री धाम सिंधवा, एक ऐसा पवित्र स्थान जहाँ पर प्रवेश करते ही ऐसा आभास होता है जैसे आप शांति कुंज के अंदर प्रवेश कर गए हों, एक ऐसी पवित्र भूमि जहाँ पर हम लोग साधना को, संकल्प को, स्वाभिमान को, स्वावलंबन को, गौ सेवा को और गायत्री माता की आराधना को चरितार्थ और फलित होता हुआ प्रतिक्षण प्रतिपल देखते हैं, वहां पर आज जब एक ऐसे सौभाग्य का हिस्सा बन पाने का सुअवसर हम लोगों को मिला, गायत्री कॉरिडोर का लोकार्पण कर पाने का एक सौभाग्य हम लोगों को मिला और ये भी एक परम सौभाग्य मैं गिनता हूँ कि इसी भूमि पर उस दिन भी उपस्थित हो पाने का सौभाग्य मिला था जब इस सुरभि मंडपम का भूमि पूजन हो रहा था। उस दिन भी उपस्थित हो पाने का सौभाग्य मिला था जब ये सुरभि मंडपम पूरा हुआ और आज उस दिन भी उपस्थित हो पाने का सौभाग्य मिला जब इस गायत्री कॉरिडोर का, आज के इस द्वार का अनावरण लोकार्पण आप जैसे पवित्र व्यक्तित्वों के मध्य में हो सका। तो आज के इस शुभ दिन जब हम लोग माँ गायत्री के इस पावन मंत्र को कहकर अपनी इस बात को आरंभ करना चाहते हैं तो इस बात को स्मरण करना अनिवार्य हो जाता है दोस्तों कि जो गायत्री का पावन मंत्र है, पवित्र मंत्र है, वो एक बड़े ही गंभीर संदेश को लेकर के अवतरित हुआ मंत्र है। गायत्री चित्रावली के माध्यम से अभी आदरणीय मामा जी ने बताया कि जिस तरह से यहाँ के प्रत्येक खंभ के ऊपर उस यात्रा को उत्कीर्ण किया गया जिसमें परम पूज गुरुदेव ने उस पथ का निर्देशन किया जिस ओर बढ़ने के बाद एक व्यक्ति के जीवन में वो सारे सौभाग्य फलित हो पाते हैं, वो सारी संभावनाएं साकार हो पाती हैं जिनको कि हम लोग देवी और ईश्वरीय संभावना कहकर के पुकारते हैं। नर के अंदर नारायण बनने की संभावना, मानव के अंदर माधव बनने की संभावना, पशु के अंदर परमात्मा बनने की संभावना, उन संभावनाओं को साकार करने का, फलितार्थ करने का, चरितार्थ करने का जो मंत्र है वही गायत्री का ये पावन मंत्र है। और गायत्री को शास्त्रों ने अद्भुत स्वर में संकल्प के साथ पुकारा है। आप यदि बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन करके देखें, ऋग्वेद के छठे मंडल को पढ़ें, यजुर्वेद के दूसरे तीसरे नौवें को पढ़ें, अथर्वेद के 19वें को पढ़ें, सामवेद के छठे को पढ़ें, संहिताओं में तैत्तरी मैत्रायणी को पढ़ें, आरण्यक ग्रंथों में बृहदारण्यक को पढ़ें, सूत्र ग्रंथों में स्तंभ को, आपस्तंभ को, आश्वलायन को, सूत्र को पढ़ें, इन सारे महान पुरुषों के महान ग्रंथों को अध्ययन करने का यदि सौभाग्य किसी को मिले तो वो पाएंगे कि बड़े बड़े ज्ञान के जो शिखर हैं, विवेक के जो महासागर हैं, जो भक्ति के एक तरीके से पुरोधा कहे जा सकते हैं, ऐसे अध्यात्म वेत्ताओं ने, मैं सामान्य व्यक्तियों की बात नहीं करता, महर्षियों की बात करता हूँ, उन लोगों ने एक स्वर में एक ही शाश्वत सत्य का उद्घोष किया और ये कहा कि सर्वे शास्त्रः द्विजा प्रोक्ता न शैवा न च वैष्णवा आदि शक्ति उपासन्ते गायत्री वैद्य मातरम, कि सारे शास्त्र, दुनिया की सारी उपासना पद्धतियां एक ही शक्ति की पूजा करती हैं, उनको हमने माँ गायत्री कहकर के पुकारा। मनुष्य के चित्त का पूरी तरह से रूपांतरण कर देने की सामर्थ्य यदि किसी एक शक्ति के अंदर विद्यमान है, उसके अंदर की जो कुप्रवृत्तियां हैं, उसके अंदर की जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, उसके अंदर के जो दुर्भाव है, उसके अंदर के जो कुसंस्कार हैं, उनको पूरी तरह से साफ करके, उसकी मलिनता को पूरी तरह से समाप्त करके उसके अंदर प्रकाश को जन्म दे पाने की सामर्थ्य यदि किसी एक शक्ति के अंदर विद्यमान है तो वो माँ गायत्री की इसी पावन शक्ति के अंदर विद्यमान है। हम लोगों ने शास्त्रों में माँ गायत्री को विश्व हित कारिणी कह करके पुकारा, विश्व का हित करने वाली। सबसे पहले जिन महर्षि ने माँ गायत्री को देखा उनका नाम था विश्वरथ। रथ की तरह से विश्व को कुचले देने की कामना जिसके हृदय में, एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में जो भी संकट, अपराध, दुष्प्रवृत्तियां होती है वो उनके जीवन में थी। लोभांध हो गए, कामांध हो गए, क्रोधांध हो गए और इन सारे कारणों से ऋषि पद से च्युत हो गए।
ऋषियों मंत्र दृष्टा रहा, और जिस दिन उनने माँ गायत्री का दर्शन किया तो वही विश्वरथ विश्वमित्र के नाम से जाने गए, पूरे विश्व के मित्र बन जाने वाले, पूरे विश्व के कल्याण की कामना करने वाले। वो शक्ति जिस एक चेतना के अंदर, तत्व के अंदर समाहित है, उन्हीं को हमने माँ गायत्री कहकर के पुकारा। हम लोग मित्र समझते हैं उसको जो हमारे दुर्भावों में हमारा साथ देता है। किसी का मन है गलत काम करने का, गलत काम करने के लिए जो साथ चल गया वो हमारा मित्र हो जाता है। व्यक्ति का काम है गलत पथ पर जाना, गलत पथ पर कोई साथ बढ़ने के लिए तैयार है, हम उसे अपने मित्र में, अपने दोस्त में गिनने लग जाते हैं। शास्त्र कहते हैं वो मित्र नहीं, शास्त्र कहते हैं मित्र वो है जिसको हमने माँ गायत्री के नाम से जाना। कौन है मित्र? पापन निवारयति भोजयति हिताय, पापों से दूर करे हमारे हित की सोचे। 9 जिलों से आए, 70 गांवों से आए, 5 राज्यों से आए गायत्री परिवार के जो प्रतिभा संपन्न, विभूति संपन्न, प्राण संपन्न व्यक्तित्व यहाँ पर विद्यमान है, उनमें से प्रत्येक का सबसे निकटवर्ती मित्र यदि कोई है तो माँ गायत्री। हम लोग वो निकटवर्ती मित्र जो हमें गलत पथ से हटाती है, शुभ की ओर लेकर के जाती है, जीवन में प्रकाश का उदय करती है, गुणों का प्रकटीकरण करती है, उन माँ गायत्री से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में शुभ का, मंगल का, कल्याण का संचार हो। इस भाव के साथ कि हमारे जीवन में सदा सदाशयता, हमारे आचरण के अंदर, व्यवहार के अंदर उदात्तता हमेशा समाविष्ट हो सके। एक बार इस पावन ऋग्वेद के मंत्र के साथ माँ गायत्री की अभ्यर्थना और उस शक्ति का आवाहन जिनको हमने सद्ज्ञान, सद्भाव, सदकर्म की देवी कहकर के पुकारा, माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। ओ परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का यह अत्यंत ही पावन दिवस, पावन मेला, पावन स्थान, शुभ मुहूर्त आज के इस अत्यंत पवित्र और पुनीत बेला पर हम लोगों के साथ यहाँ मंच पर उपस्थित आदरणीय शुकुलनी जी भाई साहब, आदरणीय राजेश पटेल जी भाई साहब, आदरणीय मामा जी, आदरणीय गोविंद काका जी, हमारे प्रिय विवेक, यहाँ उपस्थित विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, मित्रों आज हम लोग को इस पावन भूमि पर, जिस भूमि के विषय में मैंने अभी बताया कि इस भूमि पर हम लोग साधना को, संकल्प को, सिद्धि को न केवल प्रवाहित और प्रकाशित होता हुआ देखते हैं बल्कि उसको एक स्वरूप को भी प्राप्त करता हुआ देखते हैं। उस भूमि पर आज उपस्थित हो पाने का एक सौभाग्य हम लोगों को मिला है, और ये भी एक कम सौभाग्य नहीं है कि ये जो मिलन की घड़ी आई है वो नवरात्रि के एक दिन पूर्व आई है। कल सोमवती अमावस्या का पावन दिन है, उसके बाद चैत्र नवरात्रि की, नव संवत्सर की नूतन प्रारंभ की घड़ियां आरंभ होने वाली है। तो ये जो समय है जिसमें न केवल ऋतुएं बदलती हैं, न केवल तारीखें बदलती हैं, न केवल संवत्सर बदलते हैं, बल्कि ये समय ऐसा है कि इस समय में हम लोगों को भी अपने चिंतन को, अपने व्यक्तित्व को, अपने संकल्प को नया कर लेने की आवश्यकता है। ये क्षण हमें याद दिलाने के लिए आते हैं, इन क्षणों में व्यक्ति चाहे तो अपने जीवन के अवसरों को सौभाग्य में बदल सकता है। जिंदगी में बहुत कम ऐसे क्षण होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में आते हैं और उसको झकझोर करके जाते हैं, ताकि उन झकझोरने वाले क्षणों में वो अपने जीवन की दिशा को पुनर्निर्धारित कर सके। छोटी छोटी घटनाएं कभी कभी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी बन जाती है। भगवान बुद्ध
अपने घर से निकले तो बहुत छोटी सी घटना घटी। घटना ये घटी कि उनने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा है, देख करके उनके मन में प्रश्न आया, मैं भी होऊंगा क्या। एक बीमार व्यक्ति को देखा, उनके मन में प्रश्न आया, मैं भी पढ़ूंगा क्या। एक व्यक्ति की शव यात्रा को निकलते देखा, उनके मन में जिज्ञासा हुई, मेरी भी निकलेगी क्या। बस तीन प्रश्न थे और तीन प्रश्न ने सिद्धार्थ को बुद्ध बना करके खड़ा कर दिया। एक चक्रवर्ती राजकुमार को बुद्ध बनाने की घटना तीन प्रश्नों से आरंभ हुई। हम लोग रोज निकलते हुए देखते हैं, न जाने कितनी शव यात्राओं में भी खड़े होते हैं, न जाने कितनों को बीमार होता हुआ भी देखते हैं। हमारे अंदर का बुद्ध नहीं जाग पाता क्योंकि वो क्षण हमारी अंतर चेतना को हिला के नहीं जाते हैं। यदि वो क्षण हमारी अंतर चेतना को झकझोर करके जाए, हिला करके जाए, याद दिला करके जाए कि किस सौभाग्य का हिस्सा बन पाने का अवसर हम लोगों को मिला, तो जीवन की दिशाएं भी नई हो जाती है, प्रारंभ भी नया हो जाता है, सौभाग्य भी नया हो जाता है। छोटी छोटी घटनाएं व्यक्ति के जीवन को बदल देने के लिए पर्याप्त होती है। एक बालक था, उसका नाम था वरदराज। वरद का अर्थ संस्कृत में श्रेष्ठ भी होता है और वरद का अर्थ बैल भी होता है। उसका नाम माता पिता ने वरदराज इसलिए नहीं रखा था क्योंकि वो श्रेष्ठ था, इसलिए रखा था क्योंकि दिमाग बैल की तरह से था। माता पिता उससे बात नहीं करते थे, सहपाठी दूर भगा देते थे, जो पढ़ाने वाले टीचर थे, जो गुरुकुल के आचार्य थे, वो पीछे बिठाते थे। जितने बाकी के लोग थे वो सब दूर हटाते थे, हमारे पास मत आ, तो किसी काम का नहीं। एक दिन वरदराज दुखी होकर कि मैं तो किसी मूल्य का ही नहीं, अपने घर से निकल गया। निकला तो जाकर के इस मंदिर की सीढ़ियों में जाकर के बैठा। सीढ़ियों पर बैठा तो बड़े ध्यान से उसने देखा कि एक चींटी जा रही है। वो चींटी जो थी शक्कर के डेले को उठाने का प्रयत्न कर रही थी। 20 बार उससे वो शक्कर का डेला गिरा, उसके शरीर से 20 गुना ज्यादा भारी था। 20 बार गिरने के बाद 21वीं बार में उस चींटी ने प्रयत्न किया और शक्कर के डेले को उठा लिया। वरदराज के तुरंत हृदय में संकल्प आया, यदि चींटी ऐसा कर सकती है तो मैं नहीं कर सकता। वहां से वापस लौटे, लौट करके वरदराज ने पढ़ना अध्ययन शुरू किया और उसके घटना के 20 वर्ष के बाद भारत के इतने उद्भट विद्वानों में गिने गए कि आज की तारीख में भी आप संस्कृत के व्याकरण को पढ़ने के लिए जाइए तो वरदराज का लिखा हुआ ग्रंथ पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं जो घटती हैं, जीवन की जो क्रांतियां घटती हैं, जीवन के जो मूल्य के क्षण घटते हैं, वो छोटे रूपों में घटा करते हैं। कोई ये सोचे कि हमारे जिंदगी में बड़ी घटना घटेगी तब हम अपने जीवन को बदलेंगे, तो वो संभव नहीं। हमें छोटी घटनाओं को बड़े रूप में देखना सीखना होगा। जिसके जीवन में इतनी छोटी सी घटना घटी कि उसने चींटी को शक्कर का डेला उठाते देखा और उस घटना ने उनके जीवन को बदल दिया। जिसके जीवन में इतनी घटना घटी कि उनने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक व्यक्ति को बूढ़ा होते हुए देखा, उसने उनके जीवन को बदल दिया, वो बुद्ध बन पाते हैं। उनके जीवन में घटना बड़ी घट पाती। मैं आज सुबह ही घटना सुना रहा था कि मुंशी नाम थे, स्वामी श्रद्धानंद नाम हुआ उनका। हरिद्वार में आप जाएंगे तो कांगड़ी एक स्थान है जहां पर उन्होंने पहला विश्वविद्यालय 14 झोपड़ियों में शुरू किया, और उस घटना को भी शुरू करने के तो छोटे छोटे कारण थे। क्या कारण थे? पहला कारण तो ये हुआ कि एक दिन नशे में धुत थे, मुंशी नाम था, नशे में एकदम धुत होकर के घर को लौटे, रात के 2 बज रहे थे। जैसे ही उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला तो उन्होंने अपनी पत्नी के ऊपर उल्टी कर दी। पत्नी ने कुछ नहीं कहा, अपने आप को साफ किया, पति को साफ किया, उनको सुला दिया। दिन के 11 बजे उनकी नींद खुली। जब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि घर में तो अभी खाना भी नहीं बना है। कहा नहीं बना? उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि ये आटा भी बिना मढ़ा रखा है, अभी तुमने खाना नहीं बनाया। बोले अभी तक आप उठे नहीं थे, आपको खिलाए बगैर तो मैं खा नहीं सकती हूँ, आप मेरे पति हैं, आप मेरे परमेश्वर हैं, जब तक आपके मुंह से रोटी नहीं जाएगी तब तक मेरे मुंह से कैसे उतर सकते हैं। इतना ज्यादा बुरा मुंशी राम को लगा कि देखो मेरी पत्नी मेरी उल्टी भी सहने को तैयार, खाना भी नहीं खा रही, और मैं कैसा बुरा, मैं उसके ऊपर उल्टी भी कर देता हूँ, मैं उसको इतनी बुरी बातें भी बोल देता हूँ, वो भूखी रहती है। बस वो क्षण जो था वो मुंशी राम को बदल देने के लिए पर्याप्त था। उसी दिन उनके अंदर का स्वामी श्रद्धानंद जाग गया, उनने वहां से संन्यास लिया। गलती मानी,
मेरे और कोई गुरु नहीं, आप कभी स्वामी श्रद्धानंद की जीवनी को पढ़ना, उस जीवनी का जो पहला अध्याय है वो उनकी पत्नी से शुरू होता है। उनने कहा मेरी गुरु मेरी पत्नी, उसी ने मुझे बताया कि मनुष्य के जीवन का मूल्य क्या है। वहां से निकले, उनने जाकर के सोचा कि मुझे अपने बच्चे को, अपने जो पुत्र है उसको पढ़ाना चाहिए। पढ़ाने के लिए दिल्ली गए। दिल्ली में जब पहुंचे तो एक लाट साहब थे जिनको हम लोग लॉर्ड बोलते हैं, उसको उस जमाने में लाट साहब बोला करते थे। लाट साहब के घर गए, लाट साहब से जाकर के मांगते हैं कि वो थोड़ा पैसे दे दे। भारती ही थे, उनको लगा कि भारती से जाकर के पैसे मांगेंगे तो भारती तो थोड़े पैसे देगा। 3 घंटे बिठा करके रखा। 3 घंटे बिठाने के बाद दिल्ली में सदर में उनका घर था, और उसके बाद एक पर्चे पर क्या लिख करके भेज दिया, हमारे घर में भारती और कुत्ते प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इतना बुरा लगा मुंशी राम को, स्वामी शुद्धानंद को। उनने कहा आज के बाद किसी से पैसे नहीं मांगूंगा। घर आकर के बेच दिया, 2500 रुपए मिले। 2500 रुपए को लेकर के उनने कांगड़ी गांव में 14 झोपड़ियों के अंदर विश्वविद्यालय शुरू करा, और बाद में वही विश्वविद्यालय कुरकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। जीवन की घटनाएं छोटी छोटी, और छोटी छोटी घटनाएं व्यक्ति को बड़ा करके जाती है। आज के दिन हम लोगों को ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हम लोग सिर्फ एक गायत्री द्वार का लोकार्पण करने के लिए हाथ करके एकत्रित हुए। वो कार्य तो आज की तारीख में ऑनलाइन भी हो जाता है। आप जैसे प्रतिभा संपन्नों को, आप जैसे विभूति संपन्नों को, आप जैसे प्राणवानों को यहाँ पर इसलिए खींच करके बुलाया गया, ये सोच करके बुलाया गया, क्योंकि आप ही के माध्यम से भारतीय संस्कृति का नव जागरण संभव है। जिस उद्देश्य के लिए आप में से प्रत्येक को बुलाया गया, वो उद्देश्य यही कि आज की तारीख में आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के शरीर, आप लोगों के शब्द, आप लोगों के कर्म, आप लोगों के गुण, आप लोगों के स्वभाव, आप लोगों के व्यक्तित्व के माध्यम से भारतीय नव जागरण की गाथा यहाँ पर लिखी जा रही है। हम लोग भारतीय संस्कृति की आधारशिला पर रखने के लिए यहाँ आकर के गुरुदेव 19 वर्ष के थे। भारत में साइमन कमीशन आया हुआ था, सैनिक एक पत्र है, गुरुदेव उसका संपादन भी करते थे, घर में किसी को बताते नहीं थे, रात में भाग करके जाते थे, पेपर बना करके आते थे, उसी पेपर के ऊपर गुरुदेव अपनी कविताओं को भी लिखते थे, कहानियों को भी लिखते थे, समाचार पत्र का संपादन भी करते थे। बड़े अद्भुत व्यक्तित्व, अलौकिक व्यक्तित्व। और गुरुदेव ने 19 वर्ष की आयु में उस सैनिक समाचार पत्र के अंदर एक कविता को लिखा, और क्या लिखा कविता में लिखा, देख देख कर बाधाओं को तनिक न घबरा जाना। बाधाएं तो आएंगी, देख देख कर बाधाओं को तनिक न घबरा जाना, सब कुछ करना सहन किंतु मत पीछे कदम हटाना। कोई भी हो दुश्मन तेरा निश्चित मिट जाएगा, त्रिस्कोट हुंकारों से नवमंडल फट जाएगा। कोई भी हो दुश्मन, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो भारत और भारतीय संस्कृति के भविष्य के आगे आ सके। गुरुदेव ने लिखा, देख देख कर बाधाओं को तनिक न घबरा जाना, सब कुछ करना सहन किंतु मत पीछे कदम हटाना। कोई भी हो दुश्मन तेरा निश्चित मिट जाएगा, त्रिस्कोट हुंकारों से नवमंडल फट जाएगा। प्रलय मरुत हो बंद प्रचंड भवंडर के झोंके आवे, शांत हिमालय फटे शिलाएं उड़े चूर हो टकरावे। परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन निश्चित है, बहरे सुने आंख अंधे खोले, सोने वाले उठे सिपाही जागे सावधान हो गए। ये जो समय है ये परिवर्तन, ये समय है जागरण, और इस समय में वो सौभाग्यशाली है जो इस परिवर्तन की आहटों को महसूस कर पाते हैं। आज हम लोग जब यहाँ आकर के बैठे हैं तो परिवर्तन की आहटों को महसूस करने के लिए आकर के बैठे। भारतीय संस्कृति की नव गाथा हमारी आंखों के सामने लिखी जा रही है, महागाथा का हिस्सा हम लोग बनने जा रहे हैं। सौभाग्यशाली है हम लोग कि उस समय में जन्म ले पाने का अवसर हम लोगों को मिला, जिस समय में भारतीय संस्कृति की आधारशिला 1560 वर्ष की पराधीनता के बाद दोबारा से लिखी जा रही है। अंधकार का अंत हो रहा है, प्रकाश का उदय हो रहा है, आसमान के क्षितिज पर भारतीय संस्कृति का सूर्योदय भी होना शेष है, और उस सूर्योदय के लिए जिन लोगों को मुर्गे की तरह से बांग देने के लिए बुलाया गया है वो हम और आप हैं दोस्तों, गायत्री भगवान। हम लोगों को इसी आशा के साथ बुलाया गया है। भगवान सूर्य को उगाने के लिए किसी को पीछे से धक्का नहीं लगाना पड़ता, वो अपने आप उगते हैं। पर जब वो उगते हैं तो उस समय में जो लालिमा छाती है, उस समय में जो मुर्गे बांग देते हैं, वो इस आशा के साथ बांग देते हैं कि जो आने वाला नव प्रभात है उसकी घोषणा हर व्यक्ति के साथ की जा सके। 1986 का गुरुदेव का उद्बोधन आप उठा करके देखिए, उसमें गुरुदेव ने कहा, बेटा मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि मेरे गुरु ने मुझे क्या बनाया। मेरे गुरु ने मुझे मुर्गा बनाया, तुम लोग भी मुर्गा बन जाओ।
बोले कि मेरे गुरु ने मुझे बताया कि नव प्रभात होने वाला है और मुझे कहा कि बांध दे। मैं बांध लेने के लिए तैयार हो गया। अब मैं तुम लोगों से कहता हूँ तुम लोग बांध दो क्योंकि नव प्रभात आने वाला है। जो नव प्रभात आने वाला है उसकी बांध देने के लिए हम लोगों को बुलाया गया है। ये बताने के लिए बुलाया गया है कि आने वाले भविष्य की परिकल्पना संकल्पना अवधारणा कैसी होगी, उसमें मनुष्य को कैसा जीवन जीने की आवश्यकता है। और जब उस संस्कृति की आधारशिला को रखने के लिए हम लोग आकर के बैठे हैं दोस्तों, तो याद करना अनिवार्य हो जाता है कि किस संस्कृति की आधारशिला की मैं बात करता हूँ। यदि हमें भारतीय संस्कृति की अवधारणा का ध्यान करना हो तो ये सोचने की आवश्यकता है कि हम लोग आंखें बंद कर लें और एक ऐसे विश्व की कल्पना करें जहां पर कभी भगवान राम के धनुष की प्रत्यंचा के स्वर न गूंजे होते, भगवान कृष्ण के पांचजन्य का उद्घोष जिस धरा ने सुना न होता, ध्रुव न होते, प्रहलाद न होते, सुखदेव और अष्टावक्र न होते, मीरा की भूमि न होती, सूर कबीर तुलसी चैतन्य की भूमि न होती, शिवाजी की नहीं होती, छत्रपति महाराज की नहीं होती, राजा भोज की नहीं होती, राणा प्रताप की नहीं होती, विक्रमादित्य की नहीं होती, शूरवान अंगुए होते, यहाँ पर एक से एक बढ़कर ज्ञान की धाराएं न बही होती। ये भारत यदि उन भारतीय महापुरुषों को जन्म देने वाला ना होता दोस्तों, तो आज जिसको हम लोग मानवता कहकर के पुकारते हैं उससे पूरा का पूरा विश्व वंचित रह गया होता। पूरे विश्व को मानवता का अवगाहन कराने वाली जो धरती है वो यही भारत की धरती है। इंसान को इंसान बनाने वाली जो धरती है वो यही भारत की धरती है। इसी ने इंसानियत का, इसी ने दया का, इसी ने त्याग का, इसी ने करुणा का, इसी ने मानवता का पाठ पूरे विश्व को पढ़ाया। जब दुनिया जानती भी नहीं थी, जब लोगों को पता भी नहीं था कि किसको हम लोग सभ्यता कहते हैं, किसको संस्कृति कहते हैं, तब इसी भारत की भूमि से आत्मवत् सर्वभूतेषु का चिंतन निकल करके आया। और आत्मवत् सर्वभूतेषु का मतलब हर व्यक्ति के अंदर उसी भगवान को देख पाने की सामर्थ्य, और एक ने नहीं सहस्रों ने उस जीवन को दिया। उस आरुणि ने दिया जिसको लगा कि हमारे आश्रम के अंदर पानी भरने वाला है और बांध भी फट जाएगा तो हमारा आश्रम बह जाएगा, तो उस बांध को रोकने के लिए वो 13 साल का बालक आरुणि उस बांध के गड्ढे के अंदर खड़ा हो गया। मैं मर जाऊं पर मेरा बांध, ये जो है बांध टूटना नहीं चाहिए, आश्रम डूबना नहीं चाहिए। आरुणि ने दिया, दधीचि ने दिया, जिनने अपनी अस्थियां समाज के लिए दे दी, एक दुर्योधन को मारने के लिए वज्र बनाने के लिए, आयुध को बनाने के लिए अपनी अस्थियां दान में दे दी, उनने दिया। बुद्ध ने दिया, महावीर ने दिया, महात्मा गांधी ने दिया, रंतिदेव ने दिया। रंतिदेव इसी मालव देश के राजा थे, उनसे उनके महामंत्रियों ने कहा कि साहब आपके यहाँ अकाल पड़ गया है, अकाल का एक ही उपाय है। क्या उपाय है? आप स्वयं राजा होने के नाते राजा पत्य का व्रत रखिए। हमने कहा ठीक। 48 दिन तक ना अन्न लिया ना जल लिया। 48 दिन के बाद बारिश की बूंदे जैसी ही गिरनी शुरू हुई वैसे ही रंतिदेव 4 रोटियां लेकर 1 गिलास जल लेकर अपने व्रत को तोड़ने के लिए बैठे बैठे वैसे ही एक व्यक्ति आ गया, गांव का विद्वान था। मैं भूखा हूं, मुझे दे दीजिए। पहली रोटी उसको दे दी। दूसरा व्यक्ति आकर के खड़ा हो गया, मैं शमशान का रखवाला हूं, मुझे दे दीजिए। दूसरी रोटी उसको दे दी। बोला मेरे 4 कुत्ते हैं वो भूखे हैं, उनको दे दीजिए। बाकी के जो 2 रोटियां थी उनके 4 टुकड़े करें उनको दे दिए। सोचा पानी पी करके आज अपना व्रत तोड़ लेंगे। कितनी देर में एक व्यक्ति और आकर के खड़ा हुआ, प्यासा हमने। चाहते तो रंतिदेव मना कर देते। 48 दिन के अनुष्ठान के बाद न अन्न लिया था न जल लिया था। चक्रवर्ती सम्राट थे, उनकी तपस्या से वहां पर बारिश हो रही थी। मना नहीं किया, वो पानी उसको दे दिया। वो जो व्यक्ति था वो इंद्र, देवराज इंद्र बन करके प्रकट हुआ। बोला आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे और आज हम लोगों ने इस सत्य को यहाँ पर देखा कि जितना आपका पुण्य है उतना किसी का नहीं। आपके पास इतना पुण्य है कि आप इसी शरीर से स्वर्ग जा सकते हैं। स्वर्ग में क्या है? ऐसा रंतिदेव ने पूछा। बोले स्वर्ग में बहुत सारी चीजें हैं। 1.5 पेज तक इंद्र जो है लिस्ट बताते रहे, ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। उन्होंने कहा वो सब तो ठीक है रंतिदेव, बोले वहां पर दुखियों के दुख को दूर करने की व्यवस्था है क्या? इंद्र बोले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। स्वर्ग में आप उपभोग कर सकते हैं, जिस दिन आपके पुण्य समाप्त हो गए आपको धरती पर दोबारा आना पड़ेगा। क्या बोले रंतिदेव? न तो हम कामे राज्यम न भोग्यम न पुनर्भवम। न तो मुझे राज्य की कामना है, न भोग की कामना है और न स्वर्ग के पद की कामना है। क्या कामना है?
कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आरतनाशनम, एक ही कामना है कि दुख से पीड़ित प्राणी यदि इस धरती पर हैं तो मुझे उठा करके मत ले जाना, मैं यही रहूंगा, इसी धरती को स्वर्ग बनाऊंगा। ये जो भाव है ये भारतीय संस्कृति का, गांव का छोटा व्यक्ति भी इसको जीता है और बड़े बड़े राजा भी इसको जीते हैं। जिस आधार पर भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृति है, वो आधार यही है कि हमने हर इंसान के अंदर भगवान को देखा। आत्मवत सर्वभूतेषु मातृवत परदारेषु, जिस बहन के साथ हमारा संबंध नहीं वो हमारी माँ है। यदि वो भाव ना होता तो शिवाजी को गुहर बानू के अंदर जीजा भाई के दर्शन नहीं हुए होते। यदि वो भाव नहीं होता तो अर्जुन को उर्वशी के अंदर अपनी माँ के दर्शन नहीं हुए। वो भाव नहीं होता तो राजा छत्रसाल यहाँ से बहुत दूर की यात्रा नहीं है, यहाँ के राजा थे, हर गुरुवार को दरबार लगा करके बैठते थे। एक बहन आई, उनका मन था कि मेरा जो पुत्र है, मेरा जो विवाह है वो छत्रसाल से हो जाए। अब सीधे कैसे बोले राजा है, तुमने छत्रसाल से क्या कहा? उनने कहा कि ऐसा है, मेरी एक ही कामना है कि मेरा पुत्र आपकी तरह का हो। छत्रसाल मुस्कुराए, छत्रसाल मुस्कुरा करके बोले कि बहन, यदि आपकी कामना यह है कि मैं आपसे विवाह करूं और फिर हमारा पुत्र हो, तो उसमें तो 50% ही संभावना है कि पुत्र मेरी तरह का होगा। पहले तो ये गारंटी नहीं कि पुत्र होगा कि पुत्र भी पुत्री होगी। दूसरा, पुत्र हो भी गया तो आधा मेरी तरह होगा आधा आपकी तरह होगा। बोले पर यदि आप इसी क्षण से मुझे अपना पुत्र मान ले तो इस बात की 100% गारंटी कि जो आपका पुत्र है वो छत्रसाल की तरह ही होगा। ये ऐसा देश है दोस्तों, हम लोग सौभाग्यशाली है, हम लोग सौभाग्यशाली है कि उस भारत की भूमि के प्रतिनिधि बन पाने का अवसर हम लोग को मिला। आज के दिन आप लोगों के मध्य में मैं यही कहने के लिए खड़ा हुआ कि पूरा जो जीवन गुरुदेव का गया वो भारतीय संस्कृति के उद्घोष के रूप में गया। सन 2026 की जो वेला आ रही है वो न केवल इस दृष्टि से सौभाग्यपूर्ण आ रही है कि उस समय में अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष हो रहे हैं, गुरुदेव की सहयात्रा के अनेकों पड़ाव है और उनमें से अनेकों सहयोगी हैं जो अब हम लोगों के मध्य में नहीं, जो गुरुदेव के साथ आवल खेड़ा में थे नहीं है, जो गुरुदेव के साथ तपोभूमि में थे हो सकता है कुछ हो कुछ न हो, जो गुरुदेव के साथ शांतिपुंज में थे उनमें से कुछ हैं कुछ नहीं। अखंड दीपक अकेला ऐसा है जो 1926 से चल रहा है और 2026 तक गुरुदेव माता जी के साथ। एक ऐसे सहयात्री का 100 वर्ष और शत वर्षीय तप साधना को हम लोग मनाने जा रहे हैं। मंदनिया माता जी के धरती पर अवतरण के 100 वर्ष को मनाने जा रहे हैं। सौभाग्य की घड़ी है, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उस यात्रा का हिस्सा बन पाने का अवसर हम लोगों को मिला। और वो जो अवसर आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है कि भारतीय संस्कृति के सौभाग्य के सूर्योदय की गाथा को हमने से हर व्यक्ति लिख सके, इसलिए आ रहा है कि हर व्यक्ति उस मशाल में बदल सके, उस प्रेरणा के स्रोत में बदल सके जिसको देखकर अनेकों के जीवन में प्रेरणा आती है। आप में से प्रत्येक महापुरुष प्रत्येक देवी जो आज यहाँ आकर के बैठे, मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हम लोग गुरुदेव और माता जी को अपने हृदय में कहीं गहरे बिठा करके जाएं, ये सोच करके जाएं कि हमें यहाँ से जाना है तो प्रकाश की धारा की तरह से प्रवाहित होता हुआ जाना है। जहाँ जाना है वहां पर उनके विचारों को, उनके चिंतन को, उनके भाव को पहुंचाते हुए जाना है। भगीरथ ने इतने वर्षों की तपस्या करी, 11,000 वर्ष की तपस्या करी तो ब्रह्मा जी तैयार हुए कि मैं अपना कमंडल खोल दूंगा, गंगा जी आ जाएंगे। फिर मना कर दिया कि इनको धरती पर कोई धारण नहीं कर सकता। भगवान शिव की तपस्या करी तो भगवान शिव तैयार हुए कि मैं अपनी जटाएं खोल दूंगा, गंगा जी को धारण कर लूंगा। तो 22,000-23,000 साल की तपस्या के बाद जब गंगा जी धरती पर आई तो चाहते तो भागीरथ मना कर देते। भगीरथ कहते कि साहब मेरा जो काम था वो तो पूर्ण हो गया, पूर्वजों का श्राप था, गंगा जी से धोना था, मैंने दोनों काम पूरे कर दिए, अब इसके बाद मुझे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सीधे अपने पूर्वजों का श्राप धोते और कहानी का वहीं पर पटाक्षेप करते, ऐसा नहीं किया। चाहते तो गंगा जी को अपनी निजी पूंजी बनाते कि गंगा जी हमारे घर में रहेंगी, जिसको दर्शन करना है करें, यहाँ आकर के दर्शन करें, 500 रुपए का टिकट लगेगा आप पर और जाओ। ऐसा नहीं किया। क्या किया भगीरथ ने? हमारा कल्याण हुआ पर औरों का कल्याण होना उससे ज्यादा जरूरी है। वो वहां से निकले
और निकल करके गुमुख से गंगा सागर तक गए। 2525 किलोमीटर की यात्रा जिसमें 3300 को जागृत करते हुए गए, 7 ऋषियों का उद्धार करते हुए गए, 14 कुलों का ध्यान करते हुए गए, न जाने कितने लोगों का कल्याण करते हुए गए। उन्होंने कहा कि गंगा हमारे घर में आई और उसका लाभ तो तभी है जब औरों के घर तक पहुंचे। मैं यही कहूंगा कि ज्ञान की गंगा गुरुदेव के रूप में आपके घर में आ गई। 2026 तक उसे घर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है। आप में से प्रत्येक को भगीरथ की तरह से निकलने की आवश्यकता है। और जो रास्ते का घर पड़े, जो रास्ते का व्यक्ति पड़े, जिसके हृदय में चिंतन आए, और आज की तारीख में तो यात्रा करने की आवश्यकता नहीं, हमारी जगह पे फोन ही यात्रा कर जाता है। फोन के माध्यम से हम न जाने कितनों तक उस विचार को पहुंचा सकते हैं। फोन से पहुंचाए, व्हाट्सएप से पहुंचाए, फेसबुक से पहुंचाए, गुरुदेव के चिंतन को पहुंचाने के लिए नए नए तरीकों से पहुंचाए। नित्य एक स्वाध्याय का चिंतन पहुंचाए, गुरुदेव का एक विचार पहुंचाए, गुरुदेव की आवाज पहुंचाए। ये सोचे कि जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं उनको पहुंचाने का समय आ रहा है। सन 2026 में सिर्फ एक ज्योति न जले बल्कि 15 करोड़ ज्योति जले, ऐसी हम लोग गुरुदेव माता जी से प्रार्थना करते हैं। सिर्फ एक कलश नहीं हो, 15 करोड़ कलश हो, सिर्फ एक ऐसी पूज्य गुरुदेव से वंदनीय माता जी से प्रार्थना है। आप सबको इतनी देर तक आप लोगों ने इन बातों को सुना, धैर्य के साथ सुना, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।